ये है प्रॉन्स चावल एकदम मस्त कितने स्टाइल में देते हैं ना। अभी हम लोग लोकल ढाबा पहुंच गए। अभी लोकल ढाबा बहुत दिनों के बाद फिर से दोबारा आया और वहीं पे आज खाएंगे। ये वाला नहीं, ये लोकल ढाबा नहीं, इसका जो आगे वो है। तो चलो हम लोग लोकल ढाबा पहुंचने वाले हैं और मैं बहुत दिनों बाद आफ्टर 8 मंथ्स के बाद मैं आज लोकल ढाबा आया हूँ अपने दोस्त के साथ और अपना बाइक के साथ जो मेरा क्लासिक रॉयल एनफील्ड न्यू। तो आज अपने बाइक के साथ मैं जा रहा हूँ लोकल ढाबा और आप लोग बिना स्किप के वीडियो को अच्छे से देखिए। चलो आज बहुत दिनों के बाद फिर आज लोकल ढाबा में आए, आज वहाँ पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। यार पहले से तो दाम बढ़ गया यार, जैसे 100 रुपये 80 रुपये 100 रुपये 80 रुपये पहले जैसा था 60 60 60 था, जैसे कि स्केल मॉप का 60 था, स्नेल का 60, पॉल वॉर का 60 था, बट अभी 80 100 80 100 80 100 गए। चलो कोई नहीं यार, चलते हैं। फाइनली मैं आफ्टर 8 मंथ्स के बाद मैं फिर ये लोकल ढाबा आया हूँ 8 महीने के बाद। 8 महीने पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाला था मैंने लोकल ढाबा का, तो आज 8 महीने के बाद मैं फिर से दोबारा आया एंड प्राइजेस काफ़ी बढ़ गया है। साथ में प्रियांशु भी आया है। हेलो। यस यस ओके हेलो ओके। तो देख सकते हो प्राइजेस अब पहले से बढ़ गया है, जैसे कि लोकल चिकन का ये देख सकते हैं 100 100 100 80 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100
60 था पहले, बट अभी दाम बढ़ गया है यार, सब कुछ दाम बढ़ गया है। मतलब पेट्रोल का भी तो, डीजल का दाम तो बढ़ गया है, खाने का भी दाम बढ़ गया है, तो क्या करेंगे आप? ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप आ रहे हैं, हम कुछ ऑर्डर करेंगे। चखना दिया था छोटा सा, थोड़ा सा। एंड आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो आ रहा है सामान खाते। अभी छोटा मछली जो है ना, छोटा मछली हमने ऑर्डर किया है, छोटा मछली आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जोर से बोल नहीं सकते हैं, सामने बहुत लोग हैं ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहे हैं आपको। एंड अभी छोटा मछली आ रहा है फ्राई। प्रियांशु भी बहुत काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि हम लोग आएंगे, खाएंगे यहीं पे। क्या बात है, क्या स्माइल है। ओ जीफ जीफ लब लपाई, क्या बात है। चलो अभी मछली आ रहा है, मछली के बाद फिर, हाँ उसके बाद फिर हमने खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि मैंने घर से थोड़ा सा खा के आया था। प्रियांशु भी थोड़ा सा चाय वाय पी के आया था ना, ब्रेकफास्ट करके आया था, ब्रेकफास्ट करके आया था, तो इसलिए हम लंच करेंगे, बट इतना हैवी नहीं करेंगे। तीखा लग रहा है यार, तीखा लग रहा है ना। अच्छा ये इसका टमाटर और पुदीना, पुदीना होगा शायद, पुदीना ना, पुदीना चटनी। और ये तो ख़त्म हो गया टमाटर, ये थोड़ा तीखा है। हाँ तो भी टेस्ट सही है, ये अच्छा है, लोकल ढाबा काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ का एम्बियंस मत देखिए, बस यहाँ का जो टेस्ट है वो देखिए। एंड ऐसे काफ़ी सारे दो तीन यहाँ पे लोकल ढाबाज हैं, बट जो ओरिजिनल जो लोकल ढाबा है ये यही वाला है। और काफ़ी लोग आते जाते हैं और बहुत भीड़ होता है, और हर एक यहाँ पे एक कैबिन है, यहाँ पे भी एक कैबिन है, हर जगह मतलब एक एक कैबिन है। तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आइए। और आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे बिंदास आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ भी। क्या देख रहे हो? ये है आ गया, ये है प्रॉन्स। अलग दीजिए। अच्छा हमने बोला था कि उसको छोटा मछली लाने के लिए, पर उसने प्रॉन्स लेके आ गया। चलो कोई नहीं यार, टेंशन नहीं है। हाँ ये अच्छा लगता है वैसे। और साइड में वो कुछ नहीं है ला रहे वो। और ये रहा छोटा मछली, वाओ बहुत ही टेस्टी है। खाओ खाओ, तीखा लगे बहुत, चटनी का भी छोड़ते हैं अभी। अच्छा इसका प्लेट कितना था? इसका प्लेट था
100 रुपये ना, हाँ 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, हाँ ये सब 100 रुपये, प्रॉन फ्रिश फ्राई 100 रुपये। ये देख सकते हैं हम लोग का लंच आ गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप चावल, चावल एकदम मस्त कितने स्टाइल में देते हैं ना। और ये है हाँ बेहर कोचू आप लोग हंसो मत यार, कोचू बेहर मतलब पता नहीं शायद बेहर ही बोलते हैं हिंदी में। आलू का सब्जी, एंड ये है सूखा मछली जो है ना उसका वो है चटनी है, एंड ये पोर्क आ गया हमारे बीच में, और दाल, और ये सब्जी सलाद, टमाटर चटनी, नींबू, प्याज और चटनी, एंड यस ये पोर्क, और काफ़ी अच्छा बना था यार। और आप लोग आइए, आप लोग सोचिए मत ज़्यादा, आप लोग आइए और खाइए अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब कहीं भी जाता हूँ मैं दाल टेस्ट करता हूँ, दाल बहुत अच्छा है। और जब भी नॉर्थ ईस्ट में आओगे तो रानी साइड में आना ही आप, और पहले भी ब्लॉग में डाला था मैंने, रानी ढाबा के ऊपर डाला था मैंने, लोकल ढाबा बनाया था मैंने, लाइए और खाइए अच्छा है। ये टेस्ट करते हैं पोर्क, वही नॉर्मल टेस्ट। अगर अलग से आप फ्लेवर में खाना चाहते हो तब अलग टेस्ट होगा, पर ये वाला नॉर्मल है, सिंपल है, फिर भी अच्छा है। और अगर करंट जाएगा ना तो करंट जाने से क्या होता है, टेंशन नहीं है, जनरेटर है, जनरेटर चला देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा है खा के, और लास्ट टाइम में जो चावल बच जाता ना उस टाइम पे सब्जी मांग के बहुत अच्छा लगता है, पेट भर गया ना, टैंक का पेट भर गया ऑलमोस्ट। और मेनली जो फ्राई मछली है ना काफ़ी अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट फ्राई मछली। डन हो गया, चलो खाना हो गया और हम लोग भी निकलने वाले अभी, अब निकल जाएगा ना, देखो जाएंगे हम, दो दिन से देखेंगे। कैसा लग रहा है, चलो अभी टिकट में जाते हैं, कुछ सामान भी देख लेते हैं एक बार। ये साला मुझे पुराना वाला हेलमेट देख क्या 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 बोलो, अरे तुम पुराना वाला हेलमेट लेके आया है मुझे, हेलमेट होता है भाई सेफ्टी के लिए अपना सर, इसको कहाँ पहनते हैं। एंड जो खाने का जो टोटल प्राइस हुआ हम लोगों का यहाँ पे 550 ओनली, मैंने आपको बताया था पहले भी बताया था कि बहुत कम चीपेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा लोकल ढाबा में, मतलब अगर आप 4 फैमिली आए या 5 फैमिली आए तो उस हिसाब से मतलब 600-700 हज़ार रुपये में आराम से आपका खाना पीना सब कुछ हो जाएगा, वो आपके खाने के ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितना होगा उतना लगेगा, बट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि मतलब आपका बहुत ज़्यादा 3000-4000 चले जाएगा, बहुत कम अमाउंट में आपका आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ आराम से आइए। और यहाँ पे अगर आप कुछ अलग से ड्रिंक्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मिलेगा आपको। अगर आपको अच्छा बियर वगैरह अगर चाहिए जैसे बडवाइजर वगैरह चाहिए तो आपको अलग से लाना पड़ेगा, और अगर आपको सिंपल बियर होने से भी चलेगा तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ट्यूबवर्क हो गया, किंगफिशर हो गया, बाकी बडवाइजर वगैरह अगर कुछ लेना है, हैनीगन्स वगैरह लेना है तो आपको अलग से खरीद के लाना पड़ेगा। ये बहुत लोग यूट्यूबर्स नहीं कहते हैं, जो लोग ढाबा में आते हैं लोकल ढाबे वो लोग नहीं कहते हैं, तो आज मैं बियर के बारे में आपको बता दिया। तो अगर अच्छा ढाबा बियर लेना चाहते हो, ड्रिंक्स लेना चाहते हो तो आप वाइन शॉप से खरीद के आप लेके आ सकते हो और आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं, तो प्रियंशु बाय बाय, टेक केयर है ना, ओके बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर बाय बाय।